that's caught in the crossfire. हर व्यक्ति के जीवन में कुछ कार्य ऐसे जरूर होते हैं जिन्हें करना हमेशा असंभव ही लगता है, और जब कोई दूसरा व्यक्ति आकर उसी असंभव कार्य को संभव करके दिखा देता है तो हमें लगता है कि यार बहुत लकी है। दरअसल असंभव कार्य को करने के लिए जितनी कठोर मेहनत की आवश्यकता होती है उतनी आपने कभी की ही नहीं। कोई भी काम असंभव नहीं होता, बल्कि थोड़ा कठिन होता है। जब कोई काम इतना कठिन होता है जिसे हम आसानी से नहीं कर सकते तो बस हम उसे असंभव कहने लगते हैं। यही असंभव शब्द जब हमारे दिमाग में बैठ जाता है तो हम फिर प्रयास करना ही बंद कर देते हैं। आपको याद होगा कि पहले वनडे क्रिकेट में 300 रन बनाना किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ी बात होती थी। अगर किसी टीम ने 300 रन बना लिए तो उसकी जीत निश्चित हो जाती थी, क्योंकि उस समय तक 300 रन को पछाड़ना असंभव प्रतीत होता था। लेकिन समय बदला, नए लोग आए, पिच पर रन तेजी से बनने लगे और आज तो वनडे में 300 रन बनाना बहुत मामूली बात है। अब तो लोग 400 रन को भी पछाड़ देते हैं। पहले वनडे शतक बनाने पर बहुत तारीफें होती थी और वनडे में दोबारा शतक लगाना तो असंभव ही था, इसके बारे में तो कोई सोचता भी नहीं था। लेकिन हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने लोगों के इस भ्रम को तोड़ा और वनडे में 200 रन बनाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया। और ये कहानी यही नहीं रुकी, कुछ ही दिन बाद विस्फोटक बल्लेबाज सहवाग ने भी दोहरा शतक लगा दिया। इसके बाद 200 रन कई लोग अब तक बना चुके हैं। तो मित्रों, असंभव तो कुछ था ही नहीं, बल्कि काम बेहद कठिन था, इसलिए हम उसे असंभव मान बैठे। लेकिन एक बात याद रखना, एक ना एक दिन एक ऐसा शख्स आएगा जो इस असंभव को संभव बनाकर दिखा देगा, और ऐसा करके वो शख्स दुनिया में छा जाएगा और सिर्फ यही बोलोगे कि वो लकी है। दुनिया में मेहनत करने वालों की कमी नहीं है, आप नहीं तो कोई और सही। असंभव के चक्रव्यूह को कोई आकर चुटकियों में ढेर कर देगा। तो मित्रों, असंभव को अपने मन मस्तिष्क से निकाल दीजिए, क्योंकि यह शब्द आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। सभी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब सभी चीजें आपके विरोध में हो रही हो और हर तरफ से निराशा मिल रही हो। चाहे आप एक प्रोग्रामर हैं या कुछ और, आप जीवन के उस मोड़ पर खड़े होते हैं जहां सब कुछ गलत हो रहा होता है। अब चाहे ये कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसे सभी ने रिजेक्ट कर दिया हो, या आपको कोई फैसला हो सकता है जो बहुत ही भयानक साबित हुआ हो। लेकिन सही मायने में विफलता सफलता से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमारे इतिहास में जितने भी बिजनेसमैन, साइंटिस्ट और महापुरुष हुए हैं जो जीवन में सफल बनने से पहले लगातार कई बार फेल हुए हैं। जब हम बहुत सारे काम कर रहे हों तो ये जरूरी नहीं कि सब कुछ सही ही होगा, लेकिन अगर आप इस वजह से प्रयास करना छोड़ देंगे तो कभी सफल नहीं हो सकते। हेनरी फोर्ड, जो बिलियनेयर और विश्व प्रसिद्ध फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक हैं, सफल बनने से पहले फोर्ड 5 अन्य बिजनेस में फेल हुए थे। कोई और होता तो 5 बार अलग अलग बिजनेस में फेल होने और कर्ज में डूबने के कारण टूट जाता, लेकिन फोर्ड ने ऐसा नहीं किया और आज एक बिलियनेयर कंपनी के मालिक हैं। अगर विफलता की बात करें तो थॉमस आल्वा एडिसन का नाम सबसे पहले आता है। लाइट बल्ब बनाने से पहले उन्होंने लगभग 1000 विफल प्रयोग किए थे। अल्बर्ट आइंस्टीन, जो 4 साल की उम्र तक कुछ बोल नहीं पाता था और 7 साल की उम्र तक निश्चर था। लोग उसको दिमागी रूप से कमजोर मानते थे, लेकिन अपनी थ्योरी और सिद्धांतों के बल पर वो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना। अब जरा सोचो कि अगर हेनरी फोर्ड 5 बिजनेस में फेल होने के बाद निराश होकर बैठ जाता, या एडिसन 999 असफल प्रयोग के बाद उम्मीद छोड़ देता, और आइंस्टीन भी खुद को दिमागी कमजोर मान के बैठ जाता, तो क्या होता? हम बहुत सारी महान प्रतिभाओं और आविष्कारों से अनजान रह जाते। तो मित्रों, असफलता सफलता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। असफलता ही इंसान को सफलता का मार्ग दिखाती है। किसी महापुरुष ने बात सही ही कही है कि जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीत नहीं सकते। आज सभी लोग